समाजवादी पार्टी का टिकट इस सीट पे अतिक अहमद फाइलिंग करते हैं, डिसाइड करेगा इस सीट पे, पश्चिम सीट, पश्चिम कहा तो जाता है। उत्तरी सीट पे केशरीनाथ त्रिपाठी जी भी फाइनल करते हैं टिकट। कि बुलडोजर चलवाइए अतीक अहमद, ये गुंडा किसी भी गुंडे गैंगस्टर माफिया कुछ भी कार्रवाई करिए, लेकिन कुर्की और तमाम चीज़ें की कार्रवाई जो है अमूमन लोग कोर्ट के ऑर्डर के बाद देखा करते थे। उसने ये नहीं कहा आप नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि आपको एक कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ेगा, रिकवरीज कमीशन, तो रिकवरी कमीशन कर देगा। अभी तक क्या डीएम के उससे किया जा रहा था, लेकिन जब सरकार आई थी तो आपके पास एक और बड़ा अहम मंत्रालय, किन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्री का पद आपको त्यागना पड़ा था? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिल ललन टॉप की यात्रा में इस समय हमारी टीम प्रयागराज में है, इलाहाबाद वेस्ट जो विधानसभा सीट है उससे प्रत्याशी और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ फ्रेम में है। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पॉयलर भी दे दूं, माइक ख़राब हो गया था, दोबारा शूट कर रहे हैं हम लोग। तो सिद्धार्थ जी, पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? देखिए, परिवार की पृष्ठभूमि तो है ही है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती हैं आप। मैं उनकी लड़की का लड़का हूँ, और दूसरी तरफ से भी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मैं पिताजी के बड़े भाई या मेरे ताऊ जी चौधरी ननिहाल सिंह जी एक बड़ी बड़ी शख्सियत थे, रहे हैं, तो एनडी तिवारी और वीपी सिंह के टाइम पे होम मिनिस्टर ये सब थे। तो एक स्वाभाविक इंटरेस्ट मेरे को बचपन से भी था, और स्कूल के अंदर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश का एक अच्छा एक डिबेटर माना जाता था। अच्छा, मगर बीजेपी में ही मैंने पहले एक किसी राजनीतिक दल में मैंने कहीं किसी का मैंने मेंबरशिप ली, सदस्य बना, तो बीजेपी का ही बना। और उसका कारण ये था कि 1996 में जब सोनिया गांधी जी का कांग्रेस में आने का चल रहा था या चल चुका था, तो उस समय पता नहीं क्यों अंदर से बड़ी तकलीफ होती थी कि मामा जो लड़ते हैं मेरे बड़े मामा लोग सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री, तो मुझे उनके लिए कैंपेन करने जाना पड़ेगा क्योंकि कैंपेन में ठीक ठाक कर लेता हूँ। अच्छा। और इसलिए मेरे को लगा, तो मैं बीजेपी के 11 शोका रोड के सामने से जा रहा था, तो मैंने कहा इसी के देखा, मैंने कहा अटल जी अडवाणी जी को जानता तो नहीं, मतलब मिला तो नहीं हूँ ना, बीजेपी में किसी को जानता हूँ, मेंबर ही बन जाता हूँ, मामलों को दिखा दूंगा। वहाँ से मेरा सफर शुरू होता है, और धीमे धीमे बीजेपी के ग्रास रूट वर्कर्स के बीच में मैं घुसता गया। पार्टी का भी कमाल है, जब मेंबर बना तो उनके पास पूरी डिटेल थी, वहाँ पे जो मंडल है मंडल में मुझे संपर्क किया, चुनाव आ रहा था तो वो एक दफ़े इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, और वहाँ से यहाँ तक के सफ़र मेरा होता गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी में भी थे आप ना शायद? नहीं, मैं एबीवीपी में नहीं था, वो विकिपीडिया कभी कभी गलत लिख देती है। विकिपीडिया नहीं, और मतलब विकिपीडिया तो छोड़ दी, विकिपीडिया में सबसे बाद में पढ़ता हूँ, कुछ कई कई अखबारों ने रिपोर्ट किया तो मुझे लगा। तभी मैं नहीं था एबीवीपी में, मैं किसी में नहीं था, ना कांग्रेस में था ना किसी में था। मैं पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा था हिंदू कॉलेज से। अच्छा, और 2002 में केंद्रीय मीडिया सेल के साथ? हाँ, वो जरूर हुआ था, क्योंकि युवा मोर्चा में मैं दिल्ली में काम कर रहा था, और पहले तो मंडल में कर रहा था, फिर मंडल से मेहरोली मंडल में करता था, फिर वहाँ से मेरा दिल्ली प्रदेश में नोटिस हुआ तो वहाँ पर टीम में रखा गया, वहाँ से नोटिस हुआ तो शिवराज जी की टीम में आ गया। और शिवराज जी का एक हम लोग का फंक्शन था आगरा में, बड़ा अधिवेशन था, तो शिवराज जी को शायद लगा होगा ठीक ठाक कि ये अंग्रेजी बोलता है हिंदी भी बोलता है, इसी को मीडिया का काम दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मीडिया की लेके गया था मैं वहाँ। और वहाँ पे जब वेंकैया नायडू जी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया, और उन्होंने नोटिस किया कि अच्छा कर रहा है, तो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उससे ज़्यादा अच्छे मीडिया को लेकर आया हुआ है, और 3 दिन उनको खुश रखा है, सेटअप अच्छा है, तो वो अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, फिर 2009 में आपको प्रवक्ता बनाया गया राष्ट्रीय? 2009 का चुनाव था, उस समय मुझे प्रवक्ता बनाया, चुनाव संयोजक भी बनाया गया। हाँ, चुनाव संयोजक भी था उस समय, मुझे
मीडिया और ये सब का काम भी दिया गया था। देखिए विकिपीडिया पढ़ के नहीं आया हूँ। हाँ आपके रिसर्च अच्छी है। मगर उसके पहले मैं 2007 का भी चुनाव गुजरात का था, उसमें भी मैं रहा था। 10 में पश्चिम बंगाल गए थे आप? नहीं, मैं उसमें वहाँ पे था, कर्नाटका में था। फिर उसके बाद बंगाल का मुझे प्रभाग 2014 से मिला था। अच्छा 10 में नहीं? नहीं, मैं यहाँ पे जब, अच्छा 12 में गुजरात फिर से मिला। फिर मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने आया था लोकसभा, और किसी कारणवश सब कुछ होने के बाद आखिरी में विड्रॉ हो गया था मेरा नाम, तो मुझे बंगाल भेज दिया था। और बंगाल भेजा तो मैंने कहा जो अंदर से उलझन थी या गुस्सा था, मैंने ममता जी पे उतारा, तो वहाँ से ममता भाग हो गया। अच्छा, और मेरा नारा था। अच्छा, क्या कारण था कि नाम नहीं फाइनल हुआ था आपका? अब वो छोड़ दे, पार्टी का निर्णय होता है। जब पार्टी कोई निर्णय करती है तो उसमें प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, 17 आता है, टिकट मिलता है विधानसभा चुनाव, इलाहाबाद वेस्ट, ऐसी विधानसभा सीट जो लंबे समय तक इलाहाबाद के ही रहने वाले और कई मामलों में नामजद अतीक अहमद के पास थी ये सीट, और ये आपको सीट मिली लड़ने के लिए, क्या कहानी है इस सीट की कहानी? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे को संडे का दिन था जिस दिन ये इलेक्शन कमेटी बैठी थी। मैंने 17 में मैंने कभी आवेदन नहीं किया था। जनवरी का टाइम था, ठंड का मौसम था, संडे का दिन था, आराम से रजाई में घुसे हुए थे, टीवी देख रहे थे, अपना नाम फ्लैश हुआ तो मैंने कहा ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ। फिर बात करी कि एक दो जने से, तो पता चला कि यह प्रयागराज में तो उस समय इलाहाबाद है, इलाहाबाद वेस्ट से आपको दिया गया है। तो मेरे को बड़ा तकलीफ, मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ सीट है, यहाँ से कभी बीजेपी जीती नहीं है। मैं भागा, अमित शाह जी अध्यक्ष थे। आप कहाँ थे, यहीं पे थे? नहीं, मैं वहीं पे था, दिल्ली में था। दिल्ली में थे, ओके। तो वहाँ पे मैं, कि मेरा पूरा बिजनेस वहीं पे था, मैं वहीं पे ज़्यादा राजनीति मैंने स्टेट की तो कभी की नहीं थी। तो अमित भाई के पास पहुँचा तो अमित भाई के साथ मैंने बात करी, मैं उनका राष्ट्रमंत्री भी था, प्रवक्ता भी था, सब कुछ था उस समय। तो अमित भाई को मैंने कहा, मैंने कहा अमित भाई मैं आप क्यों भेजना चाहते हैं, ना डील ना डोल ना बोल ना चाल, सब मैं बहुबली हूँ तो मुझे क्यों भेज रहे हैं आप? तो अमित भाई ने उस समय कहा था कि उसकी पहचान जो है ना, उस पहचान को तुम चेंज करोगे और जीतोगे, उसकी पहचान मोदी जी के विकास से जोड़ दो। क्या है पहचान, क्या पहचान थी उस समय? अतीक अहमद, आप कभी पूछ लो। हाँ अतीक अहमद है, अतीक अहमद है। आज भी वो नहीं लड़ रहे हैं, जब भी अतीक अहमद चल रहा है। तो आप मीडिया कोई भी पेपर उठाओ, उसमें सपा का प्रत्याशी नहीं, क्योंकि सपा के प्रत्याशी के पीछे भी अतीक अहमद ही माना जा रहा है। ऋचा यादव है इस पे सपा की प्रत्याशी, ऋचा सिंह है प्रत्याशी, और आप कह रहे हैं उनके पीछे अतीक अहमद है। मैं तो बोल पहले डे से बोला था, जो भी सीट से लड़ेगा, जब कोई भी प्रत्याशी नहीं आया था, मैंने कहा उसका निर्णय अतीक अहमद करेगा, और मुखोटा होएगा समाजवादी पार्टी का, वो साबित भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी का टिकट इस सीट पे अतीक अहमद फाइल करते हैं, डिसाइड करेगा इस सीट पे, पश्चिम कहा तो जाता है। उत्तरी सीट पे केशरीनाथ त्रिपाठी जी भी फाइनल करते हैं टिकट। अब इस दफे तो हर्ष वाजपेयी का तो मैं नहीं कहूँगा, पार्टी ने डिसाइड किया है, और उसका थोड़ा लेट हुआ डिसीजन, मैं उसी का डिसीजन। उस पर भी कहते हैं, दक्षिणी पे भी नंदी, जिस पे पहले खुद केशरीनाथ जी पहले विधायक थे। केशरीनाथ जी कहीं करते होंगे तो मैं नहीं कह सकता, मगर आदरणीय है, और मेरी जानकारी जितनी है और पार्टी को 32 साल से मैं देख ही रहा हूँ, तो मेरी समझ तो है कि इलेक्शन कमेटी ने निर्णय किया। ठीक है, तो ये बोला गया आपको कि ये पहचान है, इस पहचान को मैं बदलो, तो मैंने आके यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं मोदी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, ये मैंने बोला था, मीडिया ने उसको उठाया भी और चल गई। एक्सपेरिमेंटल बॉय बोला, अब क्या उन्होंने बोला कि मैं 22 में, तो उस समय मीडिया ने अभी भी पूछा कि आप पहले 27-17 में ये बोला था, अब क्या है बुलडोजर? मैंने कहा मैं बुलडोजर बॉय हूँ। बुलडोजर बॉय, मैं बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय। एक्सपेरिमेंटल बॉय क्यों होना चाहते हैं आप हर बार? एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ पे कभी विकास हुआ नहीं 2017 से, यहाँ पे बहुबली का राज था, बहुबली का राज खत्म किया और यहाँ पे विकास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एयरपोर्ट देख लीजिए, सुबेदारगंज नया रेलवे स्टेशन देख लीजिए, यहाँ पे कभी ब्लॉक नहीं बना था, यहाँ पे फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं हुआ था, यहाँ से कलकत्ता तक की आप जा सकते हैं, 700 किलोमीटर का मैंने रोड निर्माण करा है, तो अन्य चीज़ें करी है, लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत चीज़ें, तो विकास हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल बॉय हुआ ना। तो मैंने अनाउंस किया कि मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ मोदी जी के विकास का, तो विकास से जोड़ा।
आज योगी जी का या सीएम बुलडोजर सीएम का मैं एक्सप्लेन बनाऊ, क्योंकि अभी तक 403 सीटें हैं जहां बुलडोजर जरूर चला है, मगर एक भी जगह गरीब का आवास नहीं का निर्माण हुआ है। मैंने ही अपनी विधानसभा में 26 दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री को बुलाकर भूमि पूजा करवाई और 75 घर गरीबों के आवास बन रहे हैं, जो कि अतीक अहमद की जमीन थी। अच्छा, अतीक अहमद की जमीन पे बुलडोजर चलवा के वहां पे गरीबों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं आपके आपके छह जगह चढ़े विधानसभा क्षेत्र में। वही नहीं, 5.5 बीघा जमीन और खाली करवाई जहाँ पे इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम बन रहा है। सर एक से काम कर रहे हैं। सर एक चीज मेरे को जानना है सिद्धार्थ जी, इसमें मेरा एक क्वेरी है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बुलडोजर चलवाइए, अतीक अहमद ये गुंडा, किसी भी गुंडे गैंगस्टर माफिया कुछ भी कार्रवाई करिए, लेकिन कुर्की और तमाम चीज़ों की कार्रवाई जो है अमूमन लोग कोर्ट के ऑर्डर के बाद देखा करते थे, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं है? आप इसमें फिर जो स्टेटमेंट अभी जो आया था, ऑल्दो मैं इलेक्शन बिजी था जब भी मैंने पढ़ा था, क्योंकि सरकार का प्रवक्ता भी हूँ तो कोई भी पूछ सकता जी है। तो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये है कि प्रोसीजर, उसने ये नहीं कहा आप नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि आपको एक कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ेगा, रिकवरीज कमीशन, वो आप अपॉइंट कर ले देते तो कोई मतलब इतना करना चाहिए तो रिकवरी कमीशन कर देगा। अभी तक क्या डीएम के उसे किया जा रहा था? हाँ, डीएम कर रहा, वो डीएम एसएसपी कर रहा था, कोई भी बन सकता है रिकवरी, एक पोजीशन दी जाती है वो करना चाहिए था। और अभी कोर्ट ने आदेश दिया, प्रोसीजर एक टेक्निकल है फ्लॉ, उसको उन्होंने करेक्ट करने को, मतलब पूरी कार्यप्रणाली पे उन्होंने कार्यप्रणाली नहीं करी है, एक टेक्निकल फ्लॉ है कि एक आपको अनाउंस कर देना चाहता कि ये कमिश्नर रिकवरी का है। और अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसी पे किया, नहीं नहीं, जो पैसे वापस किए जाएं रिकवरी, नहीं वो कमिश्नर, बिकॉज वो उतना ही है ना, कमिश्नर कर ले फिर भी आप रिकवरी तो कर सकते हो ना, टेक्निकल है कि आप एक ये स्टेप ले लो फिर जो करना चाहो कर लो। अच्छा सर, रहने वाले कहाँ के हैं बोलता? मैं रहने वाला तो यहीं क्यों प्रयास करता हूँ, बार बार क्षेत्र में ये क्यों बात होती है कि सिद्धार्थनाथ सिंह एकदम गायब थे, अचानक से 17 में एक हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की तरह उतरा है, जो जिसको जो कहना है वो कहते, कोई ना कोई मुद्दा तो बनना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे तो जहाँ पे 300 साल पुरानी मेरी कोठी है यहाँ की, जिसमें अभी मेरे कजन सब लोग रहते हैं यहाँ पे, हाँ उससे बड़ी तो कोठी नहीं है किसी की। और जो केपी ट्रस्ट है वो हमारे परपर बाबा का है जिन्होंने दान में दिया था ट्रस्ट को, जिसको आप देखें कभी जाए सिविल लाइन्स ना, बहुत बड़ी है जी केपी ट्रस्ट, केपी कॉलेज जिसको कहते हैं, तो देखें तो जो जो बोलता है वो नादान है या मुद्दा ना समझे। अब किसी के पिताजी दिल्ली में काम करते हैं, नौकरी करते, तो उन्हीं के साथ रहेगा ना सर? तो नहीं रहेगा ना सर। आपके पास अभी मंत्रालय हैं खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, टेक्सटाइल, MSME, एक्सपोर्ट प्रमोशन, NRI और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मैं UPCMO की वेबसाइट जो है वहाँ से खोल रहा हूँ, लेकिन जब सरकार आई थी तो आपके पास एक और बड़ा अहम मंत्रालय था, हेल्थ, अभी जयवीर सिंह जी के पास है वो, जयप्रताप सिंह जी के पास है सिद्धार्थनगर में। तो किन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्री का पद आपको त्यागना पड़ा था वहाँ से? तो मुख्यमंत्री से प्रेरोगेटिव उन्हीं से पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री के उस पर निर्णय पे होता है, उन्होंने बनाया, उन्होंने ये दे दिया, अब हो सकता है उनके दिमाग में कुछ हो, तो जवाब वही देंगे। अच्छा, जब आप चुने गए थे सर, सूबे की बड़ी घटना है और मुझे लगता है आप थे वहाँ पे, आप फलक पे थे, इसलिए आपसे जवाब जाना हूँ थोड़ा सा। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, वहाँ पे आप सरकार आती है BJP की 17 में, और एक आध महीने के भीतर एक बड़ी घटना होती है, अगस्त के महीने में वहाँ पे कथित रूप से ऑक्सीजन की शॉर्टेज की रिपोर्ट्स आती हैं, और 3-4-5-6 रातों के अंदर कई सारे बच्चों की मौत होती है ऑक्सीजन की। सर आप बहुत अच्छा समझ के आते हैं और रिसर्च करके आते हैं भाई साहब। सर सुन लीजिए, मैं आपका वर्जन आपका आपकी, तो बच्चों की मौत होती है और उस समय, क्योंकि मैं बार बार जब अभी जो प्रिंसिपल गणेश कुमार है वहाँ पे और तमाम मौक़ों पर प्रदेश सरकार ने और प्रिंसिपल गणेश कुमार ने भी ये बार बार रिफ्यूट किया है कि देयर वॉज एन ऑक्सीजन शॉर्टेज,
इसको नकारा है। रिपोर्टर्स, पत्रकार, कोई क्या कह रहा है उससे अलग, लेकिन उस समय एक बयान आपका वायरल होता है, अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, ऐसा है क्या? पहले तो उसको काफी असंवेदनशील थोड़ा समझा गया था सिद्धार्थ जी, इसलिए क्योंकि कट पेस्ट और आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने जो प्रेस करी थी, मैंने दिया था आंकड़े, मैंने आंकड़े दिए थे पिछले 40 साल से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 38 डिस्ट्रिक्ट जो है, विशेष रूप से गोरखपुर से जुड़ी हुई, वहां पे बच्चों की मौत हो रही है। ये विषय मुख्यमंत्री ने पार्लियामेंट में भी बहुत दफे उठाया और इसके लिए केंद्र सरकार को कहा कुछ करना चाहिए, जिसमें जापानीज एंसेफलाइटिस के कारण होती है। अब उस समय मैंने बताया था कि अगस्त के महीने में ये डेथ बढ़ जाती हैं, ये मेरा बयान था। मैंने ये नहीं कहा था कि अगस्त के महीने में बच्चों की डेथ होती है, मैंने कहा था इसमें बढ़ती हैं, और जो वो घटना थी उससे कोई रिलेटेड नहीं था। तो मैंने कोई असंवेदनशील नहीं, मैंने खाली फैक्ट रखा था। और वो आज मुझे खुशी है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, मेरे ही स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, दो साल के बाद वहां के जो आंकड़े हैं, जो 1500 होते थे, आज 10 या 15 या ऐसे कम हो। इस बात को तो मैं इसलिए भी मानता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान मैं मुख्यमंत्री जी के दस्तक आपका पूरा चलाया था, दस्तक अभियान, उसका उससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 11 डिपार्टमेंट्स को लेकर। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि मैं अभी फिर से एक 1.5 महीने पहले उसी रीजन में घूम रहा था, गांवों में गया, पूछा कि इंसेफेलाइटिस, इनकेफेलाइटिस और जब AES का क्या कभी सीन सिनेरियो दिख रहा है आप लोगों को, उन्होंने कहा है कि 17-18 तक तो एक मौतों का सिलसिला था, 18 में कुछ कम हुआ और उसके बाद दस्तक अभियान जो है प्रदेश सरकार का, लोग बताते हैं उससे थोड़ी सी हेल्प मिली है उनको केसेस को कम करने में। उसमें एक बताऊँ आपको, हाँ, दस्तक अभियान एक अभियान था जिसमें 11 डिपार्टमेंट्स को हम लोग लेके चल रहे थे। उसके बाद उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानते क्या था, हमने वो 38 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ने ODF कर दिया। वो जो टॉयलेट का था, बच्चे बाहर शौच में जाते थे, ये करते थे, वहाँ से ये बीमारी आती थी, और वो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिसके कारण ये कंट्रोल में आया। और आज वो कंट्रोल में है क्योंकि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के तो वैक्सीनेशन है, मैं एक्यूट AES का उस पे कोई वैक्सीनेशन है नहीं, तो इसमें प्रिवेंटिव ही जा सकते हैं और ये प्रिवेंशन ही कर रहे हैं। उस ट्रेजेडी पे आप लोगों की क्या प्रदेश सरकार, आपने कई बार बताया है आप लोग ऑक्सीजन की कोई कमी किल्लत नहीं थी उस समय, नहीं थी उस समय। जो सामने चीज आ रही थी वो एक सिलेंडर की, जो लेके वो जो एक डॉक्टर के नाम भूल रहा हूँ उसका, जो भी था डॉक्टर कफील, हाँ कुछ ऐसी था, तो उसके कारण उसने कुछ कर रहे थे जिसको पकड़ा गया था और उसने इसको हाईलाइट किया था। क्यों किया था वो वही जाने और रिपोर्ट जानेगी, क्योंकि उसके बाद जब तक कि फाइनल रिपोर्ट थी मैंने देखी नहीं है। लेकिन वहाँ पे कोई ऑक्सीजन, अब मैं आपको बड़े सिंपल थ्योरी में बताता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ डॉक्टर और आप समझ जाएंगे। गैस पाइपलाइन लगी है, ऑक्सीजन उसमें चल रहा है, बच्चे लेटे हुए बेड्स पे 150-200 जिनको ऑक्सीजन दे रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन कम होएगा तो 200 बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या खाली 4 पे, आज एक को पड़ा कल 2 दिन पे पड़ा, या तीसरे दिन 2 को और पड़ा, ऐसा कभी होता है? कभी आपने सुना है ऐसा? कहीं आपने किसी ने कुछ खाया तो स्कूल में जो बच्चों को होता है तो पॉइजन पूरे में आता है, इफेक्ट करता है कि नहीं करता? किसी में ज्यादा करता है, किसी में कम करता है, मैं करता है। डेथ जब बोलता है कोई, ये गलत वर्जन हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पूरे केस को मैंने कई बार कवर किया था। मैं जिस समय वो ट्रेजेडी सामने आई थी, मैं उसमें वहाँ पे था, कवर करने गया था। उसके बाद 1 साल बाद मैं आफ्टर मैथ पे भी कवर करने गया था। मेरे पास उस दिन जो रात में डॉक्टर्स के ग्रुप में व्हाट्सएप चैट हो रही थी, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स आए थे, तो उसमें डॉक्टर्स की तरफ से SOS मैसेज भेजे जा रहे थे कि कमी हो गई है। उस दिन का जो ऑक्सीजन जो वहाँ बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है उसका प्रेशर जो था, प्रेशर गॉज जो था कि कितना ऑक्सीजन है, वो 0 पे आके टिका हुआ था। और पेरेंट्स को जो निकू और पिकू है NICU और PICU,
वहाँ पे एम्बू बैग्स दिए गए थे हाथ से पंप करके सांस देने के लिए। और मान लीजिए ये चीज़ें काल्पनिक भी हो सकती हैं अगर ये भी कहा जाए, तो वो चीज़ें क्या हैं सिद्धार्थ जी कि पुष्पा सेल्स जो फर्म ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी, पुष्पा सेल्स के एमडी पर मुकदमा हुआ और पुष्पा सेल्स के रिमाइंडर, पेमेंट रिमाइंडर बार बार मेडिकल कॉलेज की तरफ से और पुष्पा सेल्स की तरफ से डीजीएमई ऑफिस में पेंडिंग पड़े हुए थे कई महीने से, वो पेमेंट क्लियर नहीं हो रहे थे। और फिर ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं थी तो ऑक्सीजन सप्लाइंग फर्म्स के खिलाफ मुकदमा, डॉक्टर कफील अहमद खान के मुकदमा, मतलब अगर वो उसमें जो मुकदमे थे उसका केसेस ये था कि उन लोगों ने इसको अननेसेसरी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करा था दिखाने के लिए कि ये ऐसा ऐसा है, उसकी जांच हो रही थी। मेडिकल डीजीएमई मेरे अंडर नहीं था, वो दूसरे एक और मंत्री थे आशुतोष टंडन जी, ठीक है, मैं तो खाली प्रवक्ता के रूप में था वहाँ पे, और बीआरडी भी मेरे अंडर नहीं, मैं प्रवक्ता के रूप में गया, मंत्री मंत्री और प्रवक्ता के प्रवक्ता मंत्री थे, ठीक है ठीक है। अब उसके कारण जो था वहां पे पूरी जांच हुई है, जांच में जो निकला वो आप लोगों के सामने है, जांच में मतलब ठीक है, मैं अभी भूखे आया तो लोग बोलते हैं कि वो प्रदेश सरकार एक तो कुछ भी कहते हैं बड़ा इवेंट है कि वो मास, ठीक है ऐसा है, हम वो कोई भी कह सकता है कि ये तो प्रेरित है, कहा जा सकता है ना, मगर जो जांच है सरकार को जांच करनी है, जांच करी उसकी रिपोर्ट दी और जो जो रिपोर्ट में आया वो चीज सामने है, और हमने इमीडिएटली कमिटी भी अनाउंस करी चीफ सेक्रेटरी के नीचे। अब वो कोई कह सकता है, चीफ सेक्रेटरी तो सरकार का होता है, मुलाजिम होता है। अच्छा तरीके तो बहुत कुछ है, मतलब चिट भी मेरी पढ़ भी मेरी कहने के लिए। अच्छा आप मतलब आप अपनी रिपोर्ट के साथ खड़े हो रहे हैं, वो एक्यूज़ कर रहे हैं सरकार को और माइक मको। अजय एक चीज़ बताइए, मैं सुनता हूँ ये किस्सा बार बार प्रयागराज में, 17 में केशव प्रसाद मौर्य ने आपके लिए बहुत प्रचार किया था, जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, सही है ऐसे ही, मतलब ये ऐसे ही है कि केशव प्रसाद मौर्य, केशव जी अध्यक्ष थे मुझे याद है, जो लास्ट एक मीटिंग थी उसमें आए थे। अच्छा एक ही आए थे और तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, उतना पूरा प्रचार कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और एक मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम योगी आए थे इलाहाबाद में, और उसमें प्रयाग मैं बार बार इलाहाबाद बोल देता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग है, तो यहाँ के दो विधायकों जो मंत्री भी थे, जिनके पास मंत्रालय भी थे, वो उसमें नहीं पहुँचे थे, जिसमें 2017 में कुछ दिनों बाद की बात है, 17 के चुनाव की बात नहीं, नहीं चुनाव की बात नहीं, चुनाव के बाद आप लोगों के मंत्रालय मिल गए थे नंदी जी और मेरा लिए कह रहे हैं आप दोनों लोग, देखिए वो किसी ने एक लिखा था, नहीं एक सेकंड लेट्स नॉट गेट इनटू इट वो जो जब मैं नहीं आया था उसकी जानकारी मैं मुख्यमंत्री कार्यालय दे चुका था, क्योंकि मुझे दिल्ली में एक बैठक में जाना था, मैं उसका अनाउंसमेंट कर दिया था, और यहाँ के प्रेस में भी मैंने पहले से देखी थी, तो प्रेस में छपा था कि आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि दिल्ली में एक बैठक है, उसका भी निकाल लीजिए तो आप जोड़ लेंगे दोनों। अच्छा मैं सवाल पूरा कर लूँ, बस मैं तो समझ रहा था आप कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे, तो मैंने आपको पहले ही पकड़ लिया था। मैं समझ नंदी का नंदी से पूछ लेना, नंदी जी का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, मैं आपका सवाल पूछ लूँ, आपका जवाब जान लूँ। ये होता है कि सीएम योगी ने दो चार मंत्रालयों पे, दो चार विभागों पे कि कार्यप्रणाली पे थोड़े से सवाल उठाए थे लोग कहते हैं। एक उनका था नंदी जी का, जिसमें वो स्टाम्प में तबादलों को लेकर, ट्रांसफर्स को लेकर उन्होंने उसको तबादलों को उन्होंने रोल बैक किया और नंदी जी को विभाग से हटाया गया। और स्वास्थ्य मंत्रालय में आपके मंत्रालय में भी कुछ तबादले थे जिनको सीएम योगी ने निरस्त किया और फिर आपको स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाया गया। ये जो आपको खबर आती है ये कहाँ से आती है ये सब, क्योंकि ये तो सब आपको एकदम गलत बता रहे हो आज। क्या ये नहीं हुआ था? मेरी तो नॉलेज में नहीं है और ये सच में बता रहा हूँ नहीं है। आपके तबादले से लेना कोई देना नहीं है? तबादले मैं कर, जो जिस लेवल के तबादले आप बोल रहे हो मैं नहीं करता, डीजी करता है, मेरे सिग्नेचर भी नहीं लगते। आप किसके फीडबैक लेते हो? तो फीडबैक नहीं मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ सिद्धार्थ जी, प्लीज
जो डीजी मेडिकल हेल्थ होते हैं वो जो लेवल जो होता है बाबुओं का वो करते हैं, और ये इतिहास है उत्तर प्रदेश का जिसके अंदर दम था, जिसने 1000 के ऊपर बाबू जो 30-30 साल से बैठे हुए थे 20-20 साल से उनको परमिशन दी कि आप जाके कर दो डीजी। आपका बयान भी था कई सारे बाबू 30-30 साल से बैठे हैं वो जाने के लिए तैयार रहे। तो वो मैंने करके डीजी को परमिशन देते हैं, उस तबादले पे मेरी सिग्नेचर नहीं जाती है, वो डीजी के लेवल पे जाती है। वन दूसरा आपने मैं जो करता हूँ खाली सीएमओस का करता था, सीएमओस का लेवल होता वो भी कमिटी बना के। तो तबादले के कारण कहीं आपको लगता है तो आपको जरूर मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो खबरें चली हुई वो रिफ्यूट करेंगे, चला लो आप कुछ भी चला लो। अरे मैं थोड़े चलाऊंगा सर। भाई आपने भी तो पेपर पढ़ के आए हो दोस्त, आपने पेपर पढ़ के आए हो और पेपर पढ़ के आए हो, आपको मिर्च मसाले के हिसाब से पूछ रहे हो। अच्छा, अरे नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है सर। सिद्धार्थ जी, अरे नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं सिद्धार्थ जी, देखो मैं इतने साल प्रवक्ता शिप झेल चुका हूँ कि मेरे को नहीं। अरे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फैक्ट्स लेके। अरे सिद्धार्थ जी सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मीडिया में होता क्या ना, जो खबरें रिपोर्ट दोनों साइड की होती है। अरे सुन लीजिए, इसीलिए तो मैं जो आपको अच्छा लगे वो चलाना चाहो तो पकड़ना चाहो। अरे मैं इसीलिए तो वर्जन पूछ रहा हूँ आपका, इसीलिए तो आपका वर्जन पूछा कि आप बिना वर्जन के फ्लोट करता सही लगता है। नहीं ना, आप कुछ भी फ्लोट कर लो अभी, चलो नहीं ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नहीं नहीं, बातचीत चुनाव के और कार्यक्रम। अरे नहीं नहीं एकदम, तब आपको चलो नहीं नहीं तब आपको हम फारिग भी कर देते हैं, इस इंटरव्यू से खत्म भी कर देते हैं। बातचीत मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पूछते रहो। नहीं नहीं, बातचीत अब खत्म अंतिम दौर पे ही है, और बार बार ये सवाल आ रहा है आपके चुनाव प्रचार में कि ऋचा जो हैं आपकी प्रतिद्वंदी, उनका एक लेटर वायरल हो रहा है, एक कथित लेटर जो है उनके लिए लिखा गया, क्या नाम है उसका जिस संस्था ने लिखा है, वही अंजुमन करके, अंजुमन दरगाह है, अंजुमन करके है, और उसमें एक और है कि जब घर तोड़ा जा रहा है तो वहाँ ऋचा सिंह खड़ी होकर रो रही हैं, अतीक अहमद के कोई घर तोड़ा जा रहा है तो ऋचा सिंह खड़ी हो रो रही हैं। ऋचा सिंह इन चीज़ों का खंडन कर चुकी हैं, बोलती हैं कि न लेटर लिखा गया है, न मैं वहाँ पे हूँ, ये सब सारा फेक है, फोटो एडिटेड है। तो लेकिन बार बार इंटरव्यूज में या बार बार कैंपेन्स वगैरह में आप इस पर सवाल उठाते रहे हैं। मैं तो उठाता हूँ, आज भी उठा रहा हूँ, अखिलेश यादव पे जो मौर्य का टिकट बदला उसका कारण बताओ। जो सामने आ रहा है, और मैंने नहीं फ्लोट करा है, ये सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहा है, जैसे आप उठा रहे हो वैसे मैं उठा रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आ रहा है, ये एक लेटर आ रहा है, उसके अंदर चिट्ठी लिखी गई है जो अंजुमन दरगाह शरीफ जो है अजमेर की, वहाँ के कोई सेक्रेटरी या जो चिश्ती हैं उन्होंने लिखी है कि ये हमसे संबंध है हमारा, मतलब संबंध उनका आना जाना है, और इनको आप देंगे तो अच्छा रहेगा, हम चाहते हैं आप इसको दें। अब ये सामने आया तो उसने में तो हर्ज नहीं, वो तो खंडन पॉलिटिकल है, ठीक है ना। अब अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए। दूसरा आता है कि भाई आपका जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग बड़े चले थे ना, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शायद आपको याद नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, वो याद है मुझे। उसमें ये भी था कि वो फोटो आपकी, उसमें ये भी था कि वो शायद वीडियोज ही एडिटेड थे, तो उसमें ही उसने नहीं, आप टुकड़े टुकड़े जो उस नारे की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके भी एडिटेड थे। हाँ, उनके साथ जो खड़े हैं उसमें फोटो खिंचवाया है, क्या कारण है कि उनके साथ फोटो खिंचवाने पड़ रही है, तो आपको बताना चाहिए। तीसरी चीज जो आपने वो फोटो जो जब बेगम का या अतीक का घर गिर रहा था तो बेगम के साथ खड़ी है, मैंने थोड़ी दिखाया था, ये तो हर चैनल दिखा रहा था, वो वीडियो दिखा रहा था, और क्यों खड़े थे उनके साथ ही नहीं खड़े, वीडियो और भी हैं। जब मरियाड़ी में गिरा जो शूटर था अतीक का, तो आप गए उनके पास, जब उमरी में गिरा तो एक और शूटर था, राइट हैंड था, तो वहाँ गई, फिर चकिया में एक और गिरा जो कि उनका बहनोई था, जब भी आप गई तो आप गई, तो क्यों जाती हो भाई, जो माफिया होते हैं, तो आप जब जा रहे हो तो प्रश्न तो उठेगा ना, क्यों जाते हो। तो जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वो जनता अपना निर्णय तो करेगी। वो खंडन कर रही हैं, तो कर रही है, तो मैं क्या कर लूँ उसका, मगर वो गई तो है, सबने वीडियो देखा है,
सबने वो चिट्ठी देखी है, सबने वो फोटो देखी है, खंडन करने से क्यों थोड़ी हो जाएगा, वो तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना उनको, नहीं दोगे तो अच्छा है, वो तो चुनाव आएगा, जनता दे देगी। चलिए, तो आपको चुनाव के लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिद्धार्थनाथ सिंह थे, चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, और पार्टी में कहा जाता है अमित शाह जी से अच्छी दोस्ती है आपकी, थोड़ी पुरानी है ना, आप कह रहे हैं तो होगी, जरूर होगी, आपको जानकारी ज्यादा है, मेरे पास तो, मैं तो मानता हूँ मेरे को सभी लोग पसंद करते हैं। चलिए, अमित भाई भी पसंद करते हैं, नड्डा जी भी पसंद करते हैं। चलिए, तो मोदी जी का भी आशीर्वाद है, योगी जी का भी आशीर्वाद है। ठीक है, ठीक है, तो अपने तर्कों और अपनी सफाइयों और अपने वर्जन्स के साथ, इन सब चीज़ों के साथ बात करते हुए थे सिद्धार्थनाथ सिंह। आपको कैसी लगी ये बातचीत, हम ज़रूर जानना चाहते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा और ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।